दोस्तों, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की बागी 4 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की बागी 4 मूवी की शुरुआत बागी मूवी से हुई थी 2016 में और ये मूवी बागी फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट है। ये बागी मूवी एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म रही थी और ये मूवी को डायरेक्ट सबीर खान द्वारा किया गया था और इस मूवी को प्रोड्यूस साजिद नडियादवाला द्वारा अपने बैनर नडियादवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया था। और इस मूवी के स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर दिखाई दी थी, वही सपोर्टिंग स्टार पे हमें सुधीर बाबू और सुनील ग्रोवर दिखाई दिए थे। बागी मूवी 2004 की तेलुगु फिल्म वर्षम की रीमेक है और ये भी बताया गया था कि ये मूवी 2011 की इंडोनेशिया फिल्म द रेड किंगडम पैशन पर आधारित है। इस मूवी को म्यूजिक जाने माने सिंगर अंकित तिवारी ने दिया था। इस मूवी को यूटीवी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले 29 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। इस मूवी में टाइगर श्रॉफ ने रणवीर रोनी प्रताप सिंह का किरदार निभाया था, वही श्रद्धा कपूर ने सिया खुराना का किरदार निभाया था। बागी फ्रेंचाइजी का फर्स्ट पार्ट इतना सक्सेस जाने के बाद उनका दूसरा पार्ट बना 2018 में और ये बागी 2 मूवी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और अहमद खान द्वारा डायरेक्ट थी और साजिद नडियादवाला के बैनर तले इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था और ये मूवी तेलुगु फिल्म क्षणम पर आधारित है। इस मूवी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी दिखाई दी थी और ये 2016 की फिल्म बागी का दूसरा पार्ट है। इस मूवी में विलन के तौर पर हमें प्रतीक बब्बर और मनोज बाजपेयी दिखाई दिए थे। बागी 2 मूवी की स्टोरी साजिद नडियादवाला द्वारा लिखी गई थी। बागी 2 मूवी को 30 मार्च 2018 को फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले रिलीज किया गया था और ये बागी 2 मूवी की स्टोरी में रणवीर यानी कि रोनी प्रताप सिंह के जीवन का अनुसरण करती है, जो एक सेना अधिकारी है जो गोवा में अपने पूर्व प्रेमिका की बेटी को खोजने और उसे बचाने के लिए निकलता है। इस मूवी की शूटिंग मुंबई, पुणे, संधाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई थी। इस मूवी में टाइगर श्रॉफ द्वारा किए गए एक्शन दृश्यों को खूब सराहाया गया था। 2018 में बागी 2 मूवी 7वें नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी। इस मूवी में जैकलिन फर्नांडिस ने एक आइटम सॉन्ग किया था मोहिनी के रूप में। बागी फ्रेंचाइजी के दोनों पार्ट इतने सक्सेस जाने के बाद 2020 में बागी 3 मूवी का तीसरा पार्ट आया और ये मूवी एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म रही और इस मूवी को भी डायरेक्ट अहमद खान द्वारा किया गया और इस मूवी को प्रोड्यूस फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले किया गया और ये बागी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट था। बागी 3 मूवी के स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें टाइगर श्रॉफ के अलावा हमें रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर दिखाई दिए थे और ये 2012 की रीमेक तमिल लैंग्वेज की फिल्म वेट्राई की रीमेक थी और ये बागी 3 मूवी फिल्म रोनी का अनुसरण करती है, जो एक युवा व्यक्ति है जो अपने डरपोक भाई विक्रम को बुलियों से बचाता है। वह विक्रम को पुलिस बल में शामिल होने के लिए मना लेता है और खुद को उजागर किए बिना अपराधियों के नीचे ले जाने के लिए उसके साथ काम करता है और इसके लिए विक्रम को राष्ट्रव्यापी प्रशंसा मिलती है तो उसे सीरिया के लिए एक मिशन के लिए भेजा जाता है जहां रोनी उसे पीटता है और हुआ दिखाता है। बागी 3 मूवी की स्टोरी साजिद नडियादवाला द्वारा लिखी गई थी और इस मूवी को म्यूजिक जाने माने सिंगर विशाल शेखर ने दिया था और इस मूवी को फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले 6 मार्च 2020 को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। बागी 2 फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर चुकी दिशा पटानी ने बागी 3 में डू यू लव मी गीत में विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई थी। 2020 में कोरोना की महामारी के कारण पूरे सिनेमा घर बंद थे, इसलिए सभी फिल्मों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया था। इसमें बीच में बागी 3 को भी रिलीज किया गया था। बागी 3 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी किया फिर भी उन्होंने दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। बागी फ्रेंचाइजी के तीनों पार्ट इतने सक्सेस जाने के बाद उनके निर्माता साजिद नडियादवाला ने अब बागी 4 की तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल तो इनके स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया है। बागी फ्रेंचाइजी के तीनों पार्ट की तरह ही बागी 4 में एक्शन बहुत ही दमदार होने वाला है। बागी 4 फिल्म की शूटिंग 2022 में शुरू हो जाएगी। इससे पहले टाइगर श्रॉफ गणपत
मूवी की शूटिंग स्टार्ट करेंगे और गणपत मूवी को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद बागी 4 को रिलीज किया जाएगा और टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी को डायरेक्ट विकास बहल द्वारा किया गया है और इसमें टाइगर श्रॉफ मुंबई के एक बॉक्सर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। टाइगर ने अपनी टीम के साथ मिलकर आने वाले समय के लिए अपनी तारीखों पर काम किया है। टाइगर श्रॉफ गणपत मूवी की शूटिंग दिसंबर के महीने से शुरू कर देंगे। इस मूवी में टाइगर एक बॉक्सर की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया है। इसलिए बागी 4 से पहले टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी आएंगी, इसके बाद रेम्बो मूवी और इसके बाद हीरोपंती 2 मूवी और इसके बाद टाइगर श्रॉफ की बागी 4 मूवी आने वाली है। तो आप दोस्तों टाइगर श्रॉफ की कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें।